हेलो गाइस, सब सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं नेक्सोमॉन एक्सटिंक्शन। या तो ये असल में एक प्री रिकॉर्डेड एपिसोड है, मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, नहीं तो बाद में तुम लोग कमेंट करोगे कि भाई तुमने मेरा नाम नहीं लिया, वो नहीं लिया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, पैसा नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं। बट ठीक है, ये एक प्री रिकॉर्डेड एपिसोड है, ठीक है। सो ऑल राइट, लेट्स सी नाउ। तो देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। मतलब जैसा उसने कहा था हमको पिछले एपिसोड में कि हमें मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाना है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक हो चुके हैं। आई डोंट नो कौन से मॉन्स्टर, बस या मॉन्स्टर्स। एलिजा सेड दिस आर थ्री नेक्सोमॉन गोइंग रैम्पेंट। ओके, तो बोल एलिजा ने हमें कहा था कि तीन नेक्सोमॉन जो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक हो चुके हैं, उनके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, पता लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक सारे, हाँ वो बंदा ईस्ट में गया था ना यार पिछले एपिसोड में हम लोग ने, जिसको नेक्सो ट्रैप दिया था। मतलब बंदा, ओ वाह भाई साहब, नहीं जाना है। ठीक है, नहीं जाना है, इला भागने दो रे भाई, क्या उसको अपने को नहीं जाना है उधर। तो या चलते उस बंदे से मिलते हैं यार, वो हम लोग को पैसा नहीं दिया, मतलब बिना पैसा दिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, भाग गया था। हम लोग को अपना पैसा पहले वसूली करना है, या वसूली भाई बनने वाले हैं इस एपिसोड में अपन, क्योंकि हमें अपने पैसे वसूल करने हैं। ओके भैया, तू कहाँ गया भाई? ओ सर जी, हमारा नेक्सो ट्रैप लेके भाग गया है। ओके, कौन नेक्सो मॉन? ठीक है, दो तो अपने को दिख गए, बट वो बंदा नहीं दिख रहा भाई साहब। कहाँ भाग गया यार मेरा लेके? उसने कहा था सिटी के आउटसाइड मिलना, तो सिटी के आउटसाइड ही तो हूँ ना मैं, है कि नहीं? आई डोंट नो। ओके, बढ़िया, आती सुनर। ये भी लॉक है भाई, मैक्सिमम दरवाजे यहाँ के बंद ही हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन मॉन्स्टर्स को ही हराते हैं भाई साहब। वो बंदा आई थिंक सो नहीं मिलने वाला, और अपना पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो इन्हीं को ही हराते हैं आई थिंक सो। हमें ये हेल्डा की बेटी की कुछ ना कुछ दे दे या। ओके, ये डॉगी के बच्चे हट रहे हैं, मेरे को उसको हराना है। द मार्केट प्लेस इज अंडर अटैक, हेल्प। ओके, बोलता है ये मार्केट प्लेस खतरे में है, हमारी मदद करो। आई कान डू बिजनेस विद दस थिंग्स ओवर देयर। ओके, तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम सिर्फ बेचने का है। ठीक है, मैं तुम्हारे संती लड़ता हूँ। यू आर गोना फाइट या बॉय? आर राइट, आई एम काउंट ऑन यू। वैसे भी ये डॉगी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है, मतलब हाँ ऑफकोर्स उसके एरिया पे कब्जा कर लिए, तो मैं इसको हरा दूंगा तो या इसका फ़ायदा होगा। बट मेरे हिसाब से इससे मेरे को कुछ डील करना चाहिए, इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए। गुड लक, यू कैन डू इट। हेलो डॉगी, प्यारे डॉगी, अच्छे डॉगी, मैं तेरी मदद तो करेगा, बट मेरे लिए मतलब नेक्सो ट्रैप दे देना यार, थोड़ा फ्री में, थोड़ा मांडवली कर ले। वो मेरा 10 नेक्सो ट्रैप लेके भाग गया है, वो मिल जाएगा तो मैं तेरा पैसा रिटर्न दे दूंगा। सो या 10 दे देना, मैं इसको हरा देगा, टेंशन मत ले, हराने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे को 10 नेक्सो ट्रैप दे देना। चलो ठीक है भाई साहब, आई थिंक सो आपने मांडवली कर लिया, वो समझ गया होगा। पर ये तो नॉर्मल है यार, बट इन लोगों का लेवल्स का पता नहीं है। आई डोंट नो, मतलब नॉर्मल है बट लेवल्स का पता नहीं है, तो खतरनाक तो हो सकते हैं। अपना मियाओ कैट स्लैश अटैक, जो भी नाम था इस अटैक का, डबल स्लैश। ओके, आई थिंक सो, मतलब ये घोस्ट टाइप है तो इसके ऊपर नॉर्मल मतलब फिजिकल अटैक तो इफेक्ट नहीं होने वाला है या, तो इसके ऊपर मेरे को एलिमेंटल अटैक करना पड़ेगा। सो आइसाइकल करते हैं, आइसाइकल आई थिंक सो इफेक्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा फिजिकल अटैक इफेक्ट कर रहा था, वाह एनी वाह, बहुत बढ़िया मियाओ कैट। आई थिंक सो मियाओ कैट इसको संभाल लेगी, जहाँ तक मेरे को लगता है, मतलब संभाल लेना चाहिए यार। मियाओ कैट इतनी भी नल्ली नहीं है, नहीं नल्ली है, ठीक है ठीक है। तो किसको बुलाएं? कोको को बुलाते हैं ना यार, कोको का अपन ने अपनी अभी तक एक नया मूव वो सिखा था, ट्राई नहीं किया है या। सो कोको ने सिखा था लाइटनिंग रोर, जिसको हम लोग ने पिछले एपिसोड में नहीं कर पाया था, और इस एपिसोड में भी नहीं कर पाए। वाह, मतलब इस अटैक का कभी मैं ट्राई कर पाऊँगा? आई डोंट थिंक सो। सो किसको बुलाना चाहिए भाई? मुंह को बुलाते, घोस्ट है वर्सेस घोस्ट करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, अपना मुंह ताकतवर है कि वो ताकतवर है। सो अपने पास है डार्कनेस, अंधेरा, अंधेरा, वाह वाह, एक और अंधेरा। ठीक है, मतलब ठीक ठाक डैमेज दे रहा है, बट उसका HP काफ़ी ज़्यादा है यार, उसका 92 HP था लिटरली या। अपना मुँह काफ़ी ज़्यादा टक्कर दिया, बट आई थिंक सो अपना मुँह भी मरने वाला है। सो मेरे को मारा को बुला लेना चाहिए या। मारा, इसका बजाना है तुझे 12। ओके, आते ही मेरा 12 बज गया। ठीक है, बुलेट सीड, ओ वाह काफ़ी बढ़िया यार, मतलब इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया बुलेट सीड इफेक्ट किया, रिकवरी कर रही है पास्ट टाइम तक, ये रिकवरी पास्ट टर्न तक रिकवरी करेगी। ठीक है, एक और रिकवरी, 9 HP तो मैं घटा ही सकता हूँ बुलेट सीड से। चलो बहुत बढ़िया,
अति सुन्नर भाई साहब मारा ने इसका 12 बजा दिया। डैम बॉय मारा। ओ भाई साहब काफ़ी मेरे 3 नेक्सोमॉन्स को एक्सपीरियंस मिला। मारा 11 लेवल का, मुँह भी 11 लेवल का। और मुँह ने आई थिंक सो नया अटैक सीखा, घोस्ट स्लैश। ओके तो अब हम लोग मतलब इसके पास ज़्यादा अटैक्स हो गए तो हम लोग हटा सकते हैं। तो घोस्ट स्लैश का 35 का ही डैमेज है यार, मतलब कुछ खास नहीं है यार घोस्ट स्लैश तो। इससे अच्छा तो नॉर्मल स्लैश अटैक है, डबल स्लैश है या क्या। ऑफकोर्स यार, बट वो असल में काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को, एक हिसाब से सिखाना चाहिए। तो ये मेरे पास डबल स्लैश है तो मैं ये नॉर्मल वाले स्लैश को हटा देता हूँ। या तब उसका डैमेज कम है बट चल जाएगा आई थिंक सो। एलिमेंट अटैक पे यूज हो सकता है वो, क्या बोलते हैं घोस्ट स्लैश। यू डिड इट, यू सेव्ड माय बिजनेस। ओके बोलता है वाह तुमने कर दिखाया, तुमने मेरा दुकान बचा लिया। प्लीज़ टेक दिस, यू शुड बी एड इन योर एडवेंचर। ओके तो मैंने जैसा बात कहा था भाई, इसने मेरे को नेक्सो ट्रैप आई थिंक सो देने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा था 10 नेक्सो ट्रैप ना कि 2 घोस्ट ट्रैप, मेरा लंबा वाला काटता है ये बेवकूफ़। क्या बोलूँ इसको, इसको कोपचे में ले जाके 2-4 बजा दूँ, मन तो यही कर रहा है। बट ठीक है, मतलब कम से कम इस बंदे ने कुछ दिया। मैंने 10 का जुगाड़ कराया था बट इसने 2 घोस्ट ट्रैप दिया है। चलो ठीक है, चल जाएगा यार। मतलब या 10 सर पावरफुल नेक्सो ट्रैप डिजाइन टू कैप्चर घोस्ट ट्रैप। अरे बेवकूफ मत बना भाई, कोई घोस्ट वोस्ट नहीं पकड़ पाते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। इससे अच्छे तो नेक्सो ट्रैप 10 तो दे दिया होता। चलो ठीक है, लेट्स सी, इट सीम्स लाइक वी आर नॉट डन येट। ओके तो हाँ भाई, हम लोग अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम एक और मतलब खतरनाक बंदा घूम रहा है जिसे हमें रोकना है। और प्लस हमें अभी तक अपने नेक्सो ट्रैप का पैसा भी लेना है, तो या उसे भी हमें ढूंढना पड़ेगा। कहाँ भाग गया वो अल्फर का बच्चा जो भी नाम था उसका। या तो नेक्सो मॉन्स अपने हील हो गए। और भाई ये नेक्सो गार्ड है कि बेवकूफ़ है ये, मतलब पूरा सिटी खतरे में है भाई और मुझे बचाना पड़ रहा है यार। नहीं लिटरली मुझे बचाना पड़ रहा है। ओके हेलो सर, कसा झाले आए, कसा का है, सब कुछ ठीक बढ़िया आए। अरे हमें जाने दो यार, हम तो ऐसे मजाक मजाक में घूम रहे थे आगे गलती से। ओह मैक्स विल्किंग, यस मैक्स विल्किंग, आई नो योर लिटिल सीक्रेट मैक्स विल्किंग। ओके तो ये मेरी सीक्रेट्स को जानता भाई, बट मेरे पास ऐसा सीक्रेट है क्या? मैं तो बीड़ी बीड़ी पीता ही नहीं, क्या बोल रहा हूँ। मतलब सीक्रेट मतलब बीड़ी नहीं होता, मतलब सीक्रेट मतलब कुछ छुपाए होना होता है। सीक्रेट मतलब ऐसा होता क्या यार, मेरे को हिंदी में मतलब पता लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ छुपाए रहते हैं उसको सीक्रेट आई थिंक सो बोलते हैं, या कुछ बताते नहीं अपनी पास्ट वास्ट के बारे में। या तो ये मेरा सीक्रेट जानता है भाई, ऐसा क्या जानता है तू? व्हाट इज़ दिस थिंग टॉकिंग अबाउट, हाँ ये क्या बोल रहा है भाई, मेरे को समझ तो नहीं आ रहा है। वी डोंट हैव एनी सीक्रेट्स, हाँ सही बात है, हमारे पास कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है यार। या यू मे हैव अ फूल एवरी वन एल्स बट नॉट मी। ओके बोलता है तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो बट मुझे नहीं। अरे भाई नहीं है भाई मेरे पास सीक्रेट। आई कैन सी थॉट यू आर अ डार्क सीम्स मैक्स विल्किंग। ओके बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारे क्या बुरे इरादे मैक्स विल्किंग। भाई मेरे बुरे इरादे, मैंने क्या किया भाई, मैं किसी के बारे में क्यों बुरा सोचूंगा है। ओ रियर, बट इसको पकड़ नहीं सकते ना, इसका लेवल का ही पता नहीं है ना यार। या बट आई थिंक सो ये अपने को आगे मिल सकता है। म्याओ कैट तू रहने दे म्याओ कैट। या तेरे बस की बात ना है, पहले बैक करो। और सुपर बॉय, यार मैं सुपर बॉय पे कुछ ज़्यादा ही निर्भर रह रहा हूँ, आई डोंट नो। बट या काफ़ी ज़्यादा मैं सुपर बॉय का यूज करता हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा लेवल अब सुपर बॉय ही है। मेरे को सुपर बॉय का थोड़ा कम यूज करना चाहिए, बट क्या करे यार, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, कार्कोकोरस जो भी नाम है इसका। और ये मेरा सीक्रेट जानता है, आई डोंट नो कौन सा सीक्रेट जानता है जो मैं भी नहीं जानता, बट ये जानता है। थोड़ा अजीब है बट ठीक है। या ओके फ्लेम कहानी खलास भाई, अब मेरा सीक्रेट बता दे। बहुत बढ़िया, कहाँ गया भाई सीक्रेट, बिना बताए भाग गया। दैट वॉज प्रिटी वियर्ड, हाँ बहुत अजीब है, क्या बोल रहा हूँ। जस्ट टॉक यू एज यू आर अ सुपर ईवल आर समथिंग। हाँ उसने मेरे को कहा था कि मैं कुछ मतलब बुरी सोच है मेरी, बट भाई मैंने क्या गलत किया भाई, आई डोंट नो, मेरे को क्यों इतना बुरा बुरा बता रहा है वो। विच आर यू नॉट राइट, पता नहीं भाई साहब सही है कि गलत है, लेट्स सी। ओके हाँ भाई, अभी एक और बंदा बता है, ठीक है देखेंगे, उसको भी देखेंगे। तो हम लोग ने मतलब इसको भी हरा लिया, बट भाई वो मेरा सीक्रेट बिना बताए भाग गया। ये तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मतलब ऐसा मेरे को डरा रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ वो जानता हूँ, तुम्हारा ये बिगाड़ लूँगा वो बिगाड़ लूँगा, वो बिना बिगाड़े ही भाग गया। या अजीब है थोड़ा सा, पर ठीक है।
आई थिंक सो सिटी के बाहर वो बोला था डॉगी का बच्चा, तो हमें सिटी के बाहर नहीं मिला ना, तो डॉगी का हमें गर्दन मड़ोर देगा। ये लेटर वाला अभी तक इधर ही खड़ा है, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? जिंदगी कैसे परेशान है बेचारा हमारे तरह लगता है। ओके इस साड़ को तोड़ ले भाई। हाँ तोड़ दे के ग्रीन साड एक भी साड़, मतलब यहाँ बार बार अनलिमिटेड साड़ आते रहते तो काफ़ी बढ़िया। मेरे को लगा बस वो डॉगी नहीं मिल रहा है मेरे को। डॉगी के बच्चे हो, डॉगी किधर गया डॉगी? ओ डॉगी बोल रहा हूँ सॉरी, अल्फर का बच्चा। डॉगी बना दिया अल्फर को बेचारे को, मतलब वो डॉगी से डरता है और मैं उसी को ही डॉगी बना दिया। वाह अति सुंदर। तो वेस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया में आई थिंक सो हो सकता है। या वेस्ट एरिया मैंने फुल्ली चेकआउट नहीं किया है, ऐसा तुम लोग ने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, हम लोग ने सिर्फ झलक लेके भाग आए थे। बिल्कुल झलक दिखला जा की तरह, एक बार आजा आजा वाला, तो फिर से चले जाते हैं जब वो बुलाया झलक दिखला जा, तो वापस झलक दिखला जाते हैं। ओ अरे वो अपना पुराना बिल्ला है, हमें लूटने वाला बिल्ला। वाह और ये पुराना वो नेक्सोमोन है, ये बंदर भी पुराना वाला नेक्सोमोन है। वो पुराने बिल्ले, बड़े दिनों बाद मिले बिल्ले, बहुत लूटा तूने मेरे को। और पुराना वाला साउंड भी बज रहा है बैकग्राउंड में। डीएम भाई स्टे बैक बोलता है, मेरे से दूर रहो। स्टे बैक यू फूल मॉन्स्टर, मेरे से दूर रहो तुम बेवकूफ। शैतान मॉन्स्टर मतलब ऐसे ही होता है ना, शैतान क्या होता है आई डोंट नो, मॉन्स्टर मतलब यही खतरनाक क्रीचर, मॉन्स्टर पता नहीं, छोड़ो। यू थिंक आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, केवल बोलता है कि तुम्हें लगता मैं डर रहा हूँ, टेक दिस ये लो। ओ भाई बिल्ला लड़ा बकले, उसको ढीला कर दिया उस बंदर ने। ठीक है बिल्ले हिम्मत है तेरे में, पर तूने बहुत मेरे को लूटा है, मैं बदला लेगा इस बार तेरे से पक्का। यू मे बी स्ट्रॉन्गर बट आई कैन स्टिल यू क्या टर्न क्या आउट रन यू। ओके बोलता है कि तुम चाहे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो बट मैं फिर भी तुम्हें अभी हरा सकता हूँ। ये कौन सा हराना होता है? नहीं नहीं लिटरली ये कौन सा हराना होता है? ये भागने का तुम्हें हराना बोलता है, बहुत बढ़िया। द डेवलपर ऑफ दिस गेम मस्ट बी ऑन द टाइट बजट। ओके बोलता है कि हाँ डेवलपर इस गेम का मतलब बहुत ज़्यादा टाइट बजट में होगा, इसीलिए इतने अजीब और गरीब चीज़ें लिखा है। ठीक है भाई साहब, मतलब उसके पास पैसे नहीं होंगे ढंग से गेम बनाने के, बट यह काफ़ी बढ़िया गेम बना है चाहे पैसे हो चाहे ना हो। वॉट आर यू टू वेटिंग फॉर? ओके तुम दोनों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई? तू हराने वाला था ना यार, अभी तो लंबे लंबे फेंक रहा था तू, क्या हुआ? हेल्प मी बोलता है, मदद करो मेरी। ठीक है भाई साहब कर देते हैं। ओ भाई हमारा अबे इसका भी लेवल का कुछ पता लता नहीं है यार। जितने भी मेरे को पुराने नेक्सोमोन मिल रहे हैं, मेरा मियाओ कैट मारा गया, वाह, उनके पावर लेवल का कोई पता लता नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट यार बताना चाहिए ना पावर लेवल इन लोग का, मतलब लेवल बताना चाहिए पावर लेवल नहीं। ओके स्टिल आप जीत सकते हैं इससे, अपने सामने अभी भी चाय कम पानी है जब तक अपने पास इंसिनरेट है। इंसिनरेट यार मैं थक गया था, ठीक है सेकंड ट्राई इंसिनरेट, मर गया सुपर बॉय गया, मारा बजा दे इसका 12 बुलेट सीड मारा। ये अभी तक अपना कोई खतरनाक अटैक नहीं सिखाया, मतलब बंदा अभी तक बहुत सा लुल है, कतई सुपर डुपर लुल है, पता नहीं कब ये इवॉल्व होगा। आई थिंक सो ये भी 16 ही लेवल पर इवॉल्व होगा, बट 11 लेवल का मतलब इसको 5 लेवल और चाहिए। आई थिंक सो मेरे को ऑफलाइन थोड़ा सा ट्रेनिंग करना चाहिए क्या, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो मारा हो गया 12, वाह मारा 12 लेवल का, वाह। फोकस सीड इंक्रीज चांस ऑफ अवॉइड अटैक। अबे भाई अटैक को अवॉइड करके क्या करूँगा जब मैं इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्या वो बिल्ले तेरी पटेली निकल गई? आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। ओके बोलता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ इसके लिए। ठीक है गुड जॉब माई फ्रेंड द नेम रॉन। ओके तो इसका नाम रॉन है, ऑफकोर्स अपने को पता था। That monster was tormenting even me when I was still alive. Okay, तो बोलता है कि वो monster मेरे पीछे पड़ा था चाहे अभी तक मैं जिंदा हूँ, बट ठीक है तो इसने हमें वॉल्ट की दी है, काफ़ी बढ़िया। What is that? हाँ ये क्या काम करता है? Oh, I have not you heard of क्या Spencer Fortune? Spencer के बारे में तो सुना, उसके fortune के बारे में मतलब उस खजाने के बारे में मुझे नहीं पता है। Centuries ago अ वेरी रिच टीमर बिल्ड द 9 अंडरग्राउंड वॉल्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके तो बहुत टाइम पहले मतलब एक अमीर लौंडा, बहुत अमीर टीमर ने मतलब क्या बोलते अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर कितने 9 वॉल्ट बनाए थे, मतलब 9 खजाने के बक्से पूरे वर्ल्ड में। यू नीड की लाइक दिस वन टू ओपन दैम। ओके तो ऐसे तरह का हमको चाबी चाहिए उस चीज़ को ओपन करने के लिए, बट हमारे पास तो चाबी है ऑलरेडी, 2-4 है मेरे पास, बट वो अभी तक वॉल्ट हमें नहीं दिखा। तो वॉल्ट
काउंट इन ऑल मैनर ऑफ रेयर ट्रेजर। ओके, तो उसमें हम लोग को काफ़ी मतलब रेयर चीज़ें मिल सकती है। नॉट रियली अवे क्या यूजफुल टू एनी वन ऑफ कॉर्स। ओके, तो वो सब लोग के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, मतलब टेमर्स के लिए सिर्फ। आर यू टेलिंग अस टू क्या रैनसक सम डेड गाइस ट्रेजर। ओके, तो बोलता है कि तुम मुझे मतलब मरे हुए बंदे का मतलब खजाने के बारे में बता रहे हो। आई कैन टेक दैट की बैक इफ़ यू डोंट वॉन्ट। ओके, बोलता है मैं चाबी ले सकता हूँ कहीं तुम्हें नहीं चाहिए तो। नहीं भाई, हमें चाहिए। नो वी आर गुड, हाँ हम ठीक है, चलेगा। दैट्स द स्पिरिट। ओके, बोलता है यही तो बात है लौंडे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर आर वन ऑफ सच अ हिडन वर्ल्ड समवेयर इन द केव ईस्ट ऑफ इमोर्टल क्रिटिडल। ओके, तो बोलता है कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो ईस्ट में कोई हिडन केव है जिसमें मतलब वो वर्ल्ड छुपा हुआ है। गुड लक किड, मे बी यू विल मीट अगेन। ओके, बोलता है ठीक है बच्चे, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहाँ गया केव टू द ईस्ट, माइटी बी अ वर्स्ट चेक आउट सम टाइम। ओके, तो बोलता है ठीक है ज़रूर हम देखेंगे, लेट्स सी। ओके, ओ आई थिंक वी आर रिजर्व द ऑल द इंसिडेंट। हाँ, हम लोग ने तीन लोग को तो हरा दिया तो हमारा सारा काम तो हो गया। दिस टाइम वी सीड हेल्प ऑफ फोर सोर। ओके, तो हमने सारा काम तो अपना कर दिया है। या ऑफकोर्स, तो ठीक है, बढ़िया। ये सिटी का आउटसाइड है क्या, जहाँ तक मेरे को लगता है। ओके, यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेक्सो वो है, मतलब माइन साड है, मतलब भर भर के साड है यार। तो हमने तो उसका सारा काम कर दिया है, तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं यार, मतलब नया जगह नई चीज़ें। और उसने कहा है कि ईस्ट में मतलब हमें एक क्यू मिल सकता है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रेयर मटेरियल्स मिल सकते हैं, तो ऑफकोर्स क्यों ना खोजा जाए यार। मतलब ऑफकोर्स वो वॉल्ट मिलेगा जिसमें खजाने थे जो स्पेंसर के बच्चे ने छुपाया था, तो काफ़ी बढ़िया बात है फिर तो। या स्पेंसर का घर वर तबाह हो चुका है। नो, स्पेंसर मारा गया होगा जैसे उसने कहा है, तो आई थिंक सो मारा ही गया होगा। सो अपने नेक्सोमोन हिल भाई लड़ ले मेरे से, मेरे को थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ग्रेट, जस्ट व्हेन आई थॉट आई हैड टू फाउंड अ नाइस क्वाइट स्पॉकी रिलैक्स एंड यू कैन कम बाय। ओके, बोलता है कि मैंने काफ़ी बढ़िया मतलब शांत अच्छा जगह ढूंढ लिया था, बाकी अब तुम आ गए हो। आई हैड इनफ टू एंजॉयिंग द अनोइंग डिस्ट्रिक्ट गेट लॉस्ट। ओके, तो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा कचा चुका हूँ उन अजीब लोगों से, मतलब जो इसको मतलब इसको आई थिंक सो आवाज़ पसंद नहीं है, मतलब जो चिल होता रहता है गाड़ियों वाड़ियों के साउंड अपने रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है, या कान फाड़ भी होता है, कभी कभार कान भी फट जाते हैं तो कह सकते हैं। सो ये 10 लेवल का है, आई थिंक सो अपन एडवांटेज में है क्योंकि अपने पास 12 लेवल का, अपन 2 लेवल एडवांटेज में है। और अपना मियाओ कैट काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, मतलब मिस करके। सो डबल स्लैश, आई थिंक सो मियाओ कैट इससे और अच्छा अटैक सीख सकता है जहाँ तक मेरे को लगता है। और अपना मियाओ कैट जल्दी इवॉल्व होगा ऐसा मैं बोलने वाला था, बट उससे पहले वो मारा गया। चलो ठीक है, मारा को बुलाते हैं। इस बार मैं थोड़े लो रैंक वाले मतलब लो लेवल वाले नेक्सोमॉन्स का यूज करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को इन लोगों का लेवल अप करने का फटाफट, जिससे मैं ऑफकोर्स मतलब इन लोग को इवॉल्व कर सकूँ। ओके, तो इसके पास कार्कोकोरस है, तो आई थिंक सो कार्कोकोरस ऐसे नॉर्मली मिल जाता है या तब तक पकड़ने लायक है यार, बढ़िया। ओके, तो ये अटैक करने से वो पॉइजन भी होता है, ठीक है, तब तक तो बढ़िया अटैक है यार। ब्लू सर्म करते हैं आई थिंक। ओके, बढ़िया भाई साहब, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। आई थिंक सो गोस्ट पॉइजन होते हैं, मतलब भूत कभी भूत को कभी क्या बोलते हैं, पॉइजन होंगे। वो हो गया यार, मुझे लगा नहीं था होगा बट हो गया, बढ़िया। बुलेट सीट मार दे, मारा बुलेट सीट मार दे लौंडे, बहुत बढ़िया। ओके, मेरे को अभी नेक्सोमोन बदल लेना चाहिए क्योंकि मारा मरने वाला है। मुँह को बुलाते हैं, मुँह के पास अंधेरा है मतलब डार्कनेस है, तो वो आई थिंक सो इसे अंधेरे में डाल दे। डार्क फ्लेम, आई थिंक सो काला आग चल जाएगा उसे। डार्क फ्लेम, काला आग, क्या अजीब नाम है यार, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अबे यार, मेरे को वो घूस स्लैश यूज करना चाहिए था यार, मैंने ट्राई नहीं किया। इस बार कोको का लाइटनिंग वाला अटैक पक्का ट्राई करेंगे भाई साहब, हर बार करने वाला रहता है जिसे मारा जाता है। लाइटनिंग रोर कर दे ब्रो, क्या हुआ, कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ रे इस लाइटनिंग रोर से बेवकूफ़ कोको के बच्चे। या सो क्या करे यार, मतलब कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है, सुपर बॉय को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट नो यार, सुपर बॉय हमेशा चांस पे डांस मार के चले जाता है, मेरे सारे नेक्सोमोन बस बेचारे देखते रह जाते हैं। ओके, तो मारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, 13 लेवल का हो गया। मारा ने नया अटैक सीखा, थ्रोन्स स्टॉर्म, 50% इसका डैमेज है, ठीक है, बढ़िया यार फिर तो। तब अच्छा अटैक सीख रहा है, फाइन फाइन एट लास्ट।
क्विक अबाउट योर बिजनेस, के बोलता है ठीक है निकल लो इधर पहली से, पहली फुर्सत में आई विल ऑल द चेस वर्ल्ड एंड ब्रेक्स। ओके तो बोलता है मैंने पूरी दुनिया घूम ली बट मुझे इससे ज़्यादा शांत जगह कहीं नहीं मिला। ठीक है भाई साहब मर जा, पूरा जिंदगी शांत हो जाएगा और क्या। मतलब यार जब तेरे को शांति चाहिए तो मरने के बाद ही शांति मिलने वाली है या। ओके ओशन शार्ड प्लांट विसल, ओके तो यही रास्ता इधर से इधर आता था, मुझे पता नहीं था बट ठीक है बढ़िया बात है, आपने अच्छा हुआ एक्सप्लोर किया इस जगह को। और कुछ है क्या इस जगह पर? आई थिंक सो और कुछ नहीं है, मतलब यार नॉर्मली ये जगह तो क्लियर हो गया। अभी ऊपर भी एक रास्ता था उसको भी चेक करते हैं और देखते हैं वो कहाँ जाता है। ओके भाई साहब इधर तो और भी रास्ते यार, मुझे लगा सिर्फ ऊपर ही जाता है एक रास्ता, इधर अभी लेफ्ट में भी जा रहा है। ठीक है इधर भी चेक ही कर लेते हैं। ये कहाँ पहुँच गया भाई साहब, ये कौन सा जगह है और ये बिल्ला इधर क्या कर रहा है? ओके तो यही वही जगह है जिसे पिछले एपिसोड में उसने बताया था, मतलब एक विच है जो पोषण वोषण बनाती है और सस्ते में बेचती है। आई एम डोंट नो वॉट्स गोइंग ऑन हियर, बोलता है मुझे नहीं पता एंड आई डोंट फील लाइक अ फाइंड आउट। ओके बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है भाई सब ये आई थिंक सो यही विच है जो पोषण वोषण बनाती है। वेलकम वेलकम ऑल, तुम सबका स्वागत है। से यू आर टायर्ड ऑफ द क्या डिस्कस्टिंग क्वालिटी ऑफ टूडेज पोषण। ओके तो बोलता है कि तुम परेशान हो गए हो आजकल के बेकार पोषण से। पता नहीं सचमुच मेरे को नहीं पता, मैं अभी तक तो नॉर्मल पोषण से यूज कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया इफेक्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि मैं परेशान हुआ कि नहीं। एट अवर कैंप वी प्रिपेयर ओनली द वेरी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर एडवेंचर। ओके तो हम बोलती है कि हम लोग अपने कैंप में सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का ही बनाते हैं सिर्फ एडवेंचरस के लिए। रिस्टोर हो भाई साहब 200 HP रिस्टोर करता है, 200 स्टैमिना हो भाई। ओके तो 200 ये दोनों ही करता है। ओके अल्ट्रा रिवाइव 120 HP रिस्टोर करता है। ओके तो ये सिर्फ पोषण स्पेशलिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ इससे, क्या लेता हूँ, क्या लेना चाहिए रहा लॉन्डे, क्या लेना चाहिए कहाँ लेना चाहिए समझ नहीं आ रहा। आई थिंक सो इससे अभी मेरे को कुछ नहीं लेना है, लिटरली कुछ नहीं लेना है क्योंकि काफ़ी महंगे बेच रही है। ऑफकोर्स 318 रुपये का एक है यार, मतलब या कम बैक सुन। हाँ जरूर क्यों नहीं आएंगे, मतलब कभी लेना रहेगा तो जरूर आएंगे। इधर वरेप स्टोन है क्या जिसको मैं मार्क करके मतलब इधर टेलीपोर्ट हो पाऊँ हर बार? ओके लौंडिया क्या चल रहा है? ओ माई फ्रेंड आ जाकर बड़े ठीक है मतलब ये जगह बहुत अजीब है, मतलब यहाँ बहुत अजीब चीज़ें देखने मिलती है। देर आर केव ऑफ द ईस्ट यू यू फाइंड गॉड पिकस यू कैन लॉट ऑफ नाइस एलिमेंट्स ऐड। ओके बोलते ईस्ट में एक केव है जहाँ तुम जाके मतलब अच्छा खासा एलिमेंट शार्ड कलेक्ट कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। चलो ठीक है चलते हैं देखते हैं। ओके ये तो अपन नए जगह पर आ गए बट हम लोग आए कहाँ? ओके वहाँ हैं। ओके इधर नीचे से रास्ता है और यहाँ एक बंदा है जो बंदा है। ओके तो वो रहा वो वॉल्ट हिडन वाला आई थिंक सो, जैसा उस बंदे ने कहा था कि इस जगह पर कहीं तुम्हारा नसीब अच्छा है तो एक हिडन वॉल्ट मिल सकता है। और ये नेक्सोमॉन भाई ये कैसा नेक्सोमॉन है बे, नहीं चाहिए, जा अपने घर जा, जा सो जा। ओके ये अंकल कर क्या रहे हैं? हेलो अंकल तुम कर क्या रहे हो? ओके अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। द टॉकिंग ट्री अवॉइड देयर नो मैटर व्हाट। ओके बोलता है एक बात करने वाला पेड़ उसे तुम मतलब अवॉइड करो, मतलब ध्यान मत दो उस पर नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए। मैंने तो बात भी किया था उससे रिवॉर्ड भी लिया तो क्या बोलूँ। यू फाउंड के स्पाइकर ओके कौन है कंपेनियन भाई साहब, क्या मजाक चल रहा है, इतने सारे कंपेनियन मिलते रहेंगे। चलो ठीक है ये भी ट्राई करेंगे। ओके मिमी भैया मिमी नहीं चाहिए मिमी, घर जा तू मिमी के बच्चे। इनी मिनी माइनी मो आज नहीं पकड़ूंगा मैं पाइन को या अगले इसका नाम मिमी है पाइन को थोड़े ना या। सो अब अपने को क्या करने का, अपन ने अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लिया, वो तीनों को हरा दिया यहाँ आके, अपन ने ये एरिया भी एक्सप्लोर कर लिया अभी, बट एक जगह बचा है जिसको अपने को एक्सप्लोर करना है। आई डोंट नो कि मेरे को एक्सप्लोर करना चाहिए बट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आई डोंट नो बट कर लेते हैं। ओके काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, मेरे को कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं लग रहा है। ओ नहीं लग रहा है या कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं है, दाल में कुछ भी काला नहीं है, मतलब इस बार दाल बहुत बढ़िया बनी है, क्या बोल रहा हूँ मतलब या काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी है, क्या बोल रहा हूँ मैं। सो बट मुझे लगता है उधर कुछ गड़बड़ होने वाला है, बिकॉज ऐसा खतरनाक जगह बनाया गया है तो कुछ तो गड़बड़ उधर जरूरी होगा, अभी नहीं तो आई थिंक सो आगे के एपिसोड्स में हो सकता है। बट या अपन ने सारा चीज़ अपना कर लिया और या एक चीज़ मेरे को देखने दो जरा, एक नया कंपेनियन मिला है पहले उसको लगाते हैं और देखते वो कैसा लगेगा। ये रहा ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर में से आता है, ठीक है रेयर बंदा है बढ़िया फिर तो। और जर्नी में चलते हैं क्योंकि हमें उस क्या अल्फर्ड का रास्ता पता लगाना है, वो कहाँ भाग गया है
हमें अभी तक वो दिया नहीं है अल्फर्ड का बच्चा। अल्फर्ड वांट टू लर्न हाउ टू फाइट व्हेन द नेक्सोमॉन फाइंड देम समवेयर इन द क्रिटिडल ऑफ टू द ईस्ट ऑफ द क्रिटिडल। अभी ईस्ट में तो गया था वो, अल्फर तो मिला ही नहीं, ये क्या मजाक है। अल्फर के बच्चे, वही अल्फर के बच्चे किधर है, हैं बोला ईस्ट में है, बट ईस्ट में तो मेरे को दिखा ही नहीं वो अल्फर का बच्चा। या जहाँ नेक्सोमॉन मिलेगा बोला था कि उधर ही रहेगा। या आई थिंक सो मैंने ध्यान दिया नहीं हो अल्फर कहीं खड़ा हो मेरे लिए, या पर वापस रिटर्न रीचेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रीचेक करने में। या आई थिंक सो सिटी के बाहर हो सकता है इमॉर्टल क्रिटिडल के, सिटी के बाहर, या ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार सिटी के बाहर चेक कर लेते हैं, या सिटी के बाहर चेक कर लेंगे फिर अपन फुल्ली कंफर्म हो जाएंगे। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा चल जाएगा, कभी ना कभी तो मैं उससे पक्का वो रिवॉर्ड छीन करूँगा, मतलब अपने पैसे लेके रिटर्न लो रहूँगा। अभी नहीं मिला तो बाद में सही, बट मिलेगा तो ज़रूर, इतना तो मुझे पक्का पता है। मतलब या जिस दिन मिलेगा उसका मैं खोपड़िया तोड़ देगा भाई साहब, मतलब मेरा पैसा नहीं दिया और भाग गया, मतलब मैंने उसके लिए नेक्सो ट्रैप लाए, कम से कम पैसे तो दे दिया होता, चाहे 100-200 रुपया दिया होता, कम से कम दे दिया होता यार, तब खुशी होती कि हाँ मैंने इसकी मदद की, नेक्सो ट्रैप लाया। चलो पूरे 10 का नहीं दे रहा है तो कम से कम 5 का ही दे दिया होता। या ओके इधर तो नहीं दिख रहा है वो अल्फर का बच्चा। ओ भाई ये नेक्सोमॉन जो मेरे पीछे चल रहा है अभी, जो मेरा नया बडी बना है, फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आई डोंट थिंक सो ये लेजेंडरी वेजेंडरी तो नहीं है, तो जहाँ तक मेरे को फील आ रहा है आई डोंट नो, हो भी सकता है। इमॉर्टल क्रिटिडल के बाहर बोला था यार, बट दिख ही नहीं रहा यार, लिटरली नहीं दिख रहा है, मतलब मैं बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर सिर्फ भटक रहा हूँ। कहाँ है भाई अल्फर का बच्चा, इधर तो नहीं है, नहीं इधर तो नहीं लग रहा मेरे को। चलो ठीक है उसको छोड़ो, भाड़ में जाए वो, कभी ना कभी तो मिलेगा ही ज़रूर वो। लूमी मिलता है यार, हाँ वैसे इसमें बहुत सारे अल्ट्रा रेयर मिले तो यार लूमी भी मिलता है, तो जिसने मतलब दूसरा नेक्सोमॉन चुना होगा और उसको लूमी चाहिए होगा तो लूमी इधर मिलता है आराम से आके, तुम लोग लूमी को पकड़ सकते हो। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ रेयर इंसिडेंट हो ही जाता है, पता नहीं कैसे बट हो जाता है यार, मतलब अपने को एक ना एक रेयर नेक्सोमॉन दिख ही जाता है। या ऑफकोर्स तो ठीक है, अपन काफ़ी ज़्यादा भटक लिए इधर उधर लटक लिए, अब अपने को कुछ देखने को बचा नहीं है, तो उस हेल्डा की मतलब बेटी से जाके बात करते हैं, मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ी जादूगरनी बोलने वाली लौंडिया, उसको बताते हैं कि कौन असली बंदा है, मतलब असली प्रो कौन है इधर का। या उसको पहले ले लेते हैं यार, प्रो तो हमेशा बनते रहेंगे, मतलब यहाँ जब पैसे की कमी हो जाएगी तो प्रो भी किसी काम का नहीं रहता है, सो हमेशा शार्ट्स कलेक्ट करते रहना चाहिए। चलो ये भी हो गया थंडर शार्ड, अब चलते हैं। या मैं शार्ट्स में थोड़े बहुत टाइम पास करता हूँ, बट यार ये टाइम पास करना थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है यार, तुम समझा करो यार, मतलब अपन ये शार्ट्स कलेक्ट करेंगे तो इसको अपन अच्छे दाम में बेच पाएंगे कभी अपने पास पैसे की कमी हुई तो। या जहाँ तक अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है इन फ्यूचर। वेलकम बैक, तुम्हारा स्वागत है, मतलब या एंड वेल डन, अच्छा काम किया। आर यू गोना हेल्प अस नाउ, ओके तो अब तुम हमारी मदद करोगे, वी नीड टू लर्न अबाउट द आर्टिफैक्ट, तो हमें वो आर्टिफैक्ट के बारे में जानना है, बता दे जल्दी जल्दी, जो भी नाम है एलिजा तेरी, क्या बोलूँ। ठीक, डिड यू हील योर नेक्सोमॉन, आई थिंक सो, नहीं नहीं पता नहीं, लेट मी योर स्टोर पार्टी रियली क्विकली, ओके तो ये हमारा पार्टी हील करने वाली है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इसको जादू वादू तो आता है इससे समझ आ रहा है। थैंक्स आई गेस व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके बोलता है, जो भी हुआ बढ़िया है, बकल यहाँ हुआ क्या, चलो ठीक है अब बता दे हमें स्टोरी। लिसन अप मैक्सवेल किंग, अच्छे से सुनो तुम मैक्सवेल किंग, समबडी इज कमिंग टू किडनैप यू अगेन, सो ब्रेस योर सेल्फ, ओके तो कोई तुम्हें मतलब पकड़ने आया था, अब पता नहीं किस लिए, मतलब ब्रेस योर सेल्फ, तो तुम बच के रहना, अपने आप को बचा के रखना, ऐसा बोल रही है। वेट वॉट, क्या सचमुच, आइज फॉरवर्ड फूल्स, ओके आंखें खुली रखो बेवकूफो, ठीक है भाई साहब, ऐसा क्या दिखाने वाली है, आंखें खुली रखने को बोल रही है। शुड नॉट वी जस्ट लिव, वी कैन जस्ट कुड जस्ट लिव, ओके बोलता है कि हमें इधर से चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए।
लेट देम कम ऑल राइट ओके, बोलती है उन्हें आने दो। किसे भाई साहब, ये तो बता दे। ओके तुझे, अच्छा हा 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 हा, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं पगला गया हूँ लगता है, मतलब या इसका शक्ल देख के सच में पगला गया हूँ। क्या दिख रहा है बंदा, जोकर का भाई है, 2.0 है जोकर का। वी गॉट नाउ बॉयज, वेल डन। ओके बोलता, हमने कर दिखाया बच्चे, बहुत बढ़िया। सो दैट स्मॉल फ्राइज मैक्सवेल किंग। ओके बोलता है वो छोटा सा बच्चा मैक्सवेल किंग है, दैट इज द बॉस टारगेट। ओके तो बॉस ने उसे ही पकड़ने को कहा है। यस सर, आई रिमेंबर्ड हिम फ्रॉम द ऑर्फेंज, ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू बीट यू। ओके बोलता है बोलती है कि हमें पता है सर, ये मतलब ऑर्फेंज का बंदा है और ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि तुम्हें हरा सके। एक बार फिर से दोबारा बोलना, तो मतलब जरूर दोबारा बोलना, मैं ताकतवर नहीं उसको हरा सकूँ। पर ये कितना ताकतवर होगा, मतलब कितना होगा पता नहीं, हो भी सकता है कोई पक्का नहीं पता, बट ठीक है हम एटीट्यूड दिखाएंगे, हम ताकतवर हैं। ऑफ कोर्स नॉट, आई कांट बिलीव दैट यू लॉस्ट समवन लाइक दैट। ओके तो बोलता है कि मैं यकीन नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोग मतलब उससे हार गए। नो मैटर, आई विल फिनिश यू गाय स्टार्टेड। ओके तो बोलता है कुछ भी हो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, चलो शुरू करते हैं। यू मेड अस वेट फॉर देम। ओके तो बोलते हैं तुमने हमें रुकने को कहा था, और वॉट्स गोइंग रॉन्ग विथ यू, हाँ तुम्हारे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। ओके हम लोग को एलिजा ने रुकने को कहा था। ओ रिलैक्स, यू कैन हैंडल दिस वन। ओके बोलता है शांत रहो तुम, इसको मतलब आराम से हैंडल कर सकते हो। नहीं क्या बोलूँ इसके लिए मैं, बेवकूफ वेवकूफ है क्या ये लॉन्डिया। ओह हो थिंक्स अगेन बट, के बोलता है ठीक है दोबारा सोच लो। आई थिंक सोचना चाहिए दोबारा मेरे को। आई हैव नेवर फील्ड माई लॉर्ड, आई विल टेक मैक्सवेल किंग टू हिम। ओके तो बोलता है मैं कभी नहीं अपने मतलब हारा मेरे माई लॉर्ड। ओके और मैं मैक्सवेल किंग को लेके जाऊंगा। We got a run him, so way stronger than orphan bandit. Okay, तो बोलता है कि हमें भागना चाहिए क्योंकि ये जब ऑर्फेंज में जो आए थे चोर मतलब किडनैपर, वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। सेम्स किटी हु इज अ साइकिक हियर। ओके बोलता है सोचो बिल्ले, यहाँ जादूगर कौन है, फाइट हिम, लड़ो तुम उससे। वास भाई साहब ये मेरे साथ लड़ने वाली है कि मुझे अकेला लड़ना पड़ेगा, मेरे को कभी नहीं सोचना चाहिए मेरी कोई मदद करेगा, मतलब मुझे हमेशा अकेले ही लड़ना पड़ता है। बट यह ऑफकोर्स ये तेरा लेवल का है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यार, लौंडा स्ट्रांग है, बट अभी मेरे पास एक खतरनाक हथियार है जिसको, जो मेरा सुपर बॉय है, उसको तुम लोग हरा लो तो मैं मान लूँ भाई तुम स्ट्रांग हो, मतलब या कोको इस बार तू और थंडर वाला अटैक नहीं किया तो क्या मैं नेक्सोमन बदल लेगा, और क्या नहीं कर पाया तो मैं नेक्सोमन बदलेगा, सिंपल सी बात है यार, या इसमें सोचने की बात क्या है। ओके तो इसके पास मॉस्कॉट है। ओके मास्कॉट मेरे पास है कि नहीं है, आई डोंट नो, मैंने मास्कॉट पकड़ा है, मेरे को मिला ही नहीं अभी तक मास्कॉट, तो पकड़ूंगा क्या। तो मेरे पास थ्रोन स्टॉर्म है जो काफ़ी बढ़िया मास्कॉट को डैमेज दिया, बट आई थिंक सो इतना काफ़ी नहीं है मास्कॉट के लिए, एक पॉइजन अटैक देते हैं उसको। ओके पॉइजन हो जाए मास्कॉट के बच्चे, नहीं हुआ, इस मास्कॉट का तो चेहरा ही नहीं है, या चेहरा ही नहीं है, तो मुँह को बुलाते भाई साहब, भूत के सामने भूत ही लड़ेगा। ओके ऑफ कोर्स वो साइकिक टाइप है, मैं उसके खिलाफ कमज़ोर हूँ, चलो ठीक है फिर भी एक बार मुंह को ट्राई करते ही हैं। तब यार अपना बंदा है यार, कुछ ना कुछ तो दंगा देगा ही उसको। तो डार्कनेस ओके 15% डैमेज, भाई मुंह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब आई थिंक घोस्ट टाइप साइकिक टाइप के ऊपर इफेक्टिव होते ही हैं। ओके तो अपना सुपर बॉय अब तो ये वैसे भी नहीं जीत पाएगी, कितना भी कोशिश कर ले अब ये जीत ही नहीं सकती। इसके 10-10 नेक्सोमोन आ जाए मैं एक साथ हरा दूँ, इसे ज़्यादा बोल दिया बट ये ऑफकोर्स हरा दूंगा मैं। अब एक हिट किल है सब, हर कोई एक। ओके ये नया बंदा है, इसके पास कुल्हाड़ी है भैया, बच के रहना पड़ेगा, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मारता है। ओके इसका अटैक तो मुझे हल्का सा भी डैमेज नहीं पहुँचाया, और मेरे अटैक से ये आधा गायब हो गया, नहीं पूरा गायब हो गया। ओ ओ हो सुपर लौंडे, क्या ये वो बकरा है, बकरे का विकसित रूप है, या क्या बात है, इसके पास बकरे का विकसित रूप है, ले भारी। ओके तो अपन
भाई स्टिग्मा करते हैं, आई थिंक सो ट्रैप हो जाए तो फायदा हो जाए। अबे इसके पास कितने नेक्सोमोन है यार, 6 के 6 भर के रखा है और सारे के सारे ताकतवर हैं। अरे कोई तो नल्ले रख लिया होता लौंडे, स्ट्रांग है भाई साहब। मैं ये अच्छा हुआ मेरे पास अपना क्या बोलते हैं सुपर बॉय है, नहीं तो अभी तक तो मेरा वाट लग चुकी होती। ओके तो वो जल गया, बहुत बढ़िया। तो 4 का डैमेज तो उसको वैसे ही हो रहा है। और एक और इंसिनरेट, फिर से मर जा रहे। अरे मर जा रहे बकरे, जलने वाले बकरे। वैसे ये बकरा जला हुआ पहले से ही, मरेगा तो सीधा फराई हो जाएगा, मेरे को तो ऐसा शक हो रहा है इस बकरे के ऊपर। या फराई बकरा तैयार, किसको चाहिए फराई बकरा, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके तो अपना सुपर बॉय हो गया लेवल 17 का, और अपना मारा भी हो गया लेवल 14 का। लई भारी या लई भारी। ओके अब वो लौंडे कौन ताकतवर है, मेरे सुपर बॉय से भिड़ेगा लौंडे, पता चला। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया भाई, कैसे तेरे को समझ आएगा यार, तू नल्ला है तेरे को क्या समझ आएगा। मिनियंस यू टोल्ड मी दैट मैक्सवेल किंग वॉज अ वीक। ओके तो तुम मिनियंस, तुमने मुझे कहा था मतलब मेरे चमचे कि ये कमज़ोर है, बट आई स्वेयर दैट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बैक देन, समथिंग डिफरेंट। ओके बोलता है कि वो पहले इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसे क्या गड़बड़ है भाई साहब। ओके तो आई थिंक एलिजा ने हमारी मदद की है। प्रिटी क्लाउड यू आर नॉट हंट पॉपिट इन क्या ग्रैंड प्ले ऑफ माइंड। ओके तो बोलती है कि तुम मेरे जगह पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। वाह आई थिंक सो, तो ये इसका जादू था आई थिंक सो, बट मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ किया, इसका जादू किसी काम नहीं आया, बट ठीक है भाई साहब बोल रही है तो होगा कुछ ना कुछ। वॉट हैव यू डन विच, तुमने अभी क्या किया चुड़ैल। अरे वो जादूगर ने उसको चुड़ैल के बोल दिया। लेट्स जस्ट से दैट आई गेव मैक्सवेल किंग सम ट्रेनिंग। ओके बोलती है कि मैंने अभी मैक्सवेल किंग को थोड़ी ट्रेनिंग दी है, या ऑफकोर्स मैंने 3 वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को हराया था जो अजीब से पागल नेक्सोमोन थे, तो आई थिंक सो वही बात कर रही है मेरे हिसाब से। आई रिलीज सर्वल वाइल्ड नेक्सोमोन इनटू माय सिटीज एंड देन फोर्स टू मैक्सवेल किंग टू फाइट देम वन बाय वन। ओके तो इसने उन्हें छोड़ा था। वाह नहीं 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 वाह, कैसे कैसे बेवकूफ़ आते हैं यार, क्या बोलूँ मैं इन लोग को। तब खुद ही छोड़ती हो, खुद ही अपने सिटीजन्स को खतरे में डालती हो। वैसे सब लोग तो मर ही गए थे उधर के, बट फिर भी मतलब या फिर भी क्या बोलूँ मैं। वेट यू सेंड दिस नेक्सोमोन रैम्पेज। ओके तो तुमने उन्हें भेजा था उस खतरनाक नेक्सोमोन्स को, एंड नाउ यू आर मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ इट, यू आर वेलकम। ओके बोलती है कि चलो ठीक है, इसके वजह से तुम लोग अब ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, तुम्हारा स्वागत है। आई एम नॉट इवन श्योर हु द विलन हियर। हाँ बात तो सही है, इधर का विलन कौन है, मतलब ये बंदी खुद ही अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, क्या बोलें कौन इधर का विलन है। दिस इज़ नॉट ओवर, आई वुड नॉट फील माई लॉर्ड। ओके तो बोलती है कि ये बंदा बोलता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं हारने वाला नहीं हूँ मेरे लॉर्ड। अब ये बात किससे कर रहा है यार, माय लॉर्ड किसको बोल रहा है। आई बी बैक आई स्वेयर। ओके बोलता है मैं रिटर्न आऊँगा पक्का, एंड यू लॉस अगेन। ओके बोलता है तुम फिर से हार जाओगे, एलिजा बोलती है। टेक माय वर्ड्स फॉर दैट फूल। ओके तो ये बात हमेशा याद रखना तुम बेवकूफ। ओके तीनों गुस्से में, बट मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं या गुड ग्रेशियस, अच्छा काम किया। इवन विथ माय क्या क्रेविनेस आई वॉज नॉट श्योर इफ यू विन। ओके तो बोलती है कि कहीं मैंने मैंने वो किया था, बट फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि तुम जीतोगे, मतलब जैसा उसने उन नेक्सोमोन्स को छोड़ा था तो उसको यकीन नहीं था कि हम लोग मतलब इतने ताकतवर हो गए कि उसको हरा पाएंगे। यू डू लुक लाइक अ स्मॉल फ्राई आफ्टर ऑल। ओके तो बोलती है कि तुम एक कमज़ोर से बच्चे हो ऑफकोर्स मैक्सवेल किंग। वे इज एवरी वन ट्राइंग टू किडनैप मैक्सवेल किंग। हाँ हर कोई मेरे को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, सही बात है बता। हाउ कैन यू बी सो ओब्लिवियस। ओके तो तुम इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं केयर फ्री, मतलब ओब्लिवियस मतलब आई थिंक सो यही होता है ना कि क्या बोलते हैं अपने आप का ध्यान नहीं देते। कम ऑन सो मी द आर्टिफैक्ट ऑफ योर। ओके तो बोलते ठीक है तुम अपना आर्टिफैक्ट दिखाओ, दिखाते भाई हमें वैसे भी आर्टिफैक्ट के बारे में जानना है, इसकी बेवकूफ़ी के बारे में नहीं। गुडनेस आई नेवर थॉट दैट आई सीन दिस इन माई ओन आइस। ओके बोलती है कि बहुत बढ़िया, मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं अपने आँखों से देखूंगी। ऐसा क्या देख लिया भाई इसने, अंधी बंदी तो नहीं हो गई इसको देखने के बाद। वेल हाउ दिस इज ओल्ड थिंग रिलेटेड टू
क्या टैरेंट ऑफ लाइट, ओके, बोलती मतलब बिल्ला बोल रहा है ये कैसे एक टैरेंट ऑफ लाइट से जुड़ा हो सकता है। हाउ ब्लाइंड ऑफ यू, के बोलते हैं तुम कितने अंधे हो। अंधे, अंधा बोलती है भैया साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके दिस इज़ द टैरेंट ऑफ लाइट इट्स सेल्फ फुल, ओके तो ये टैरेंट ऑफ लाइट ही है। वॉट, नहीं नहीं क्या भाई सब, ये टैरेंट ऑफ लाइट ही है। इट्स नॉट अ रैलिक, इट्स अ एग, ओके तो वो रैलिक नहीं है, वो एक असल में अंडा है। वाह, नहीं नहीं वाह, क्या अजीब है भाई साहब, हम तो हम लोग टैरेंट ऑफ लाइट को ही लेके घूम रहे हैं, मतलब क्या बोलना। ओके तो ये ऐसा दिखता है। यू मीन दैट टैरेंट ऑफ विल बी हैज फ्रॉम दिस थिंग, तो ओके तो बोल रहा है बिल्ला कि तो टैरेंट इसमें मैं से निकलने वाला है। प्रेसिसली, हाँ सही कहा, द सो कॉल्ड टैरेंट ऑफ लाइट इट बट अ मिथ बेड टाइम स्टोरी, ओके तो बोलती है कि टैरेंट ऑफ लाइट की कहानी असल में एक मिथ है, मतलब मिथ मतलब जो कही जाने वाली, मतलब उसका पक्का पता भी नहीं है कि सच है कि झूठ है, एक मिथ है, या बैड टाइम स्टोरी, बुरे दिन की कहानियाँ, ओके बट नाउ यू हैव मीन ऑफ दिस मिथ रियलिटी, तो अब तुम इसको असलियत बनाने वाले हो भाई साहब, क्या अजीब है। मीट क्या अल्टरनेटा के, तो मैंने अल्टरनेटा से मिला था, मिली थी आई थिंक सो, आई हैव नॉट यू दैट वुमन फाइंड आउट एग एज वेल, ओके तो अल्टरनेटा नाम की, ओके तो वो जो अपने फ्रोजन ऑफ क्या फ्रॉस्ट ऑफ टैरेंट को हराया था अल्टरनेटा, उसकी बात कर रही है ये, तो उसके पास भी अंडा था वो बात कर रही है, एंड हैज़ द पावरफुल नेवलस, तो ओके तो वो एक बहुत खतरनाक मतलब टैरेंट में पैदा हुआ, उसका नाम नेवलस है, मतलब ऑफ कोर्स टैरेंट का, सो वी कैन हैव आवर ओन टैरेंट, तो हम लोग के पास अपना खुद का टैरेंट है भाई साहब, भाई मजा आ गया, मतलब अपन कोई भी अपने को नहीं हरा सकता भाई, अपने पास खुद का टैरेंट है। डीएम, यस यू कैन टेक्निकली क्रिएट अ टैरेंट ऑल ऑफ योर सेल्फ, ओके तो हम लोग ने, हाँ अपना, हाउ वेरी एक्साइटिंग, सही बात है भाई साहब, हमारे पास खुद का टैलेंट है, इससे बड़ी बात और क्या होगी, मतलब या अपने को अब कौन हरा पाएगा भाई, अब सब नल्ले अपने सामने, अब तो आर यू इंटरेस्टेड, या ऑफ कोर्स भाई साहब, इस पर कौन नहीं इंटरेस्टेड रहेगा, आर यू किडिंग, ऑफ कोर्स आर वी आर, हाँ सही बात है भाई, क्या मजाक कर रही है, हम लोग तो सचमुच क्या बोले, मतलब हम लोग के पास खुद का टैलेंट भाई, क्या बात है, सुपर डुपर ओपी। हाउ डू वी हैच द एग, हाँ हम इस एग को कैसे हैच करेंगे, बता दे ये भी बता दे, मतलब हर चीज तो बता दी, अब संडे को हैच करना कैसे ये भी बता दे। द फर्स्ट स्टेप इज क्या न्यूवरस विद द एलिमेंट पावर, ओके तो पहला काम है तुम्हें एलिमेंट पावर जमा करना, अब एलिमेंट पावर का क्या है यार, एंड फॉर दैट यू नीड टू विजिट अ क्या वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ श्राइन, तो हमें कोई पर्सनलर श्राइन को ढूंढना है, दे ले लाइन एज अ सम पीपल कॉल्ड इट, ओके तो उसे ले लाइन भी सब लोग कहते हैं, ओके ले लाइन ये अजीब है थोड़ा सुनने में, बट ठीक है भाई ढूंढ लेंगे, जब हमारे पास खुद का टैलेंट है तो जरूर हम उसे मतलब इस दुनिया में लाएंगे भाई साहब, और मतलब सारे बंदों को बताएंगे कि आखिर इधर का बॉस कौन है, और ओमनिक्रॉन हम लोग नहीं पकड़ पाए थे नेक्समॉन में, बट इसमें अपने पास खुद का टैलेंट है और अपन इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, वाह मेरा सपना पूरा हो गया, वाह मजा आ गया। देर आर अ पेनल्टी ऑफ क्या श्राइन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके तो बोल रही है कि यहाँ मतलब इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई बहुत थोड़े बहुत श्राइन्स हैं, देर आर ओनली सिटी ऑफ इग्नाटिया फॉर एग्जाम्पल, और इग्नाटिया में भी है, राइजिंग अ टैरेंट अ गिल्ड वुड बी अ हेट फॉर हर दैट, ओके तो हम लोग मतलब टैरेंट को मतलब पालेंगे तो या ऑफकोर्स गिल्ड वाले हमसे गुस्सा करेंगे क्योंकि गिल्ड वाले टैरेंट से ही लड़ रहे हैं, बट दैट्स योर ओन डिसीजन, ओके तो ये हमारा डिसीजन है कि हमें क्या करना है। मैक्सवेल किंग, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैज द एग फाइंड द एलिमेंट श्राइन एंड इट नहीं गेट नाटिया, ओके तो हम यार क्यों नहीं, हम लोग जरूर उस एग को हैच करेंगे यार, और इग्नाटिया में हमें पहला श्राइन मिलेगा। नाउ इफ़ यू एक्सक्यूज मी आई नीड टू फिक्स माई विंडो, ओके बोलती ठीक है अब मेरे को अपना मतलब शीशा ठीक करना, आई विल सेंड यू गाइज द बिल फास्ट लेटर, ओके तो ये हमें बिल भेजने वाली है, भाई कांच तेरे वजह से टूटा, हम लोग इधर से चले जाते तो हम लोग आते ही नहीं। व्हाट डू यू से मैक्सवेल की, क्या करना चाहिए, गेटिंग ओन टैरेंट साउंड्स अमेजिंग, हाँ मतलब खुद का टैरेंट होना बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत बढ़िया क्या बोलना, बट इट्स विल डिफिकल्ट, हाँ एक काफ़ी ज़्यादा
क्या नुकसानदायक मतलब परेशानी भी हो सकती है। यू शुड हेड टू ईस्ट इग्नाटिया सी सैड आर डू समथिंग क्विस्ट अराउंड हियर। ओके, क्या हमें इग्नाटिया मतलब जाना चाहिए या हमें थोड़ी बहुत क्विस्ट करनी चाहिए? आई थिंक सो, इधर कोई क्विस्ट बचा नहीं है तो हम लोग इग्नाटिया की तरफ बढ़ते हैं। या बट ऑफकोर्स क्योंकि मेरे को उस टैरेंट को देखना है। ए डोंट फॉरगेट योर रिवॉर्ड फॉर अ सेविंग माई सिटी फ्रॉम द दस घोस्ट। ओके, तो बोलती है कि अपना तोहफा मत भूलना जो तुमने मतलब वो भूतों से मेरे सिटी को बचाया, मेरे शहर को। ठीक है भाई साहब, यू डोंट डिजर्व इट। ओके, बोलती है तुम इसके लायक नहीं हो ऑफकोर्स, बट माई फूलेस पीपल वॉन्ट टू पे यू बैक सम हाउ। ओके, तो बोलती है कि मेरे लोग तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं देना चाहते हैं ये तो पता नहीं। ठीक है, 400 रुपया और थोड़े बहुत खाने के आइटम, बढ़िया। सो हमने मतलब काफ़ी बढ़िया मतलब इसमें काम किया, मतलब क्या बोलूँ कितना बढ़िया बढ़िया काम किया। आई डोंट नो, मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा है भाई साहब। अब हमारे पास खुद का टैरेंट है जिसको हम लोग समझ रहे थे कि कोई आर्टिफैक्ट है, कोई रैलिक है जिससे अपन उस टैरेंट ऑफ लाइट का पता लगा पाएंगे, बट वो असल में टैरेंट ऑफ लाइट ही निकला और जिसको अब हमें हैच करना है। मतलब हम चाहे तो हम कर सकते हैं, मतलब हमें ऑप्शन मिला है, हम करना चाहें तो करें, करना नहीं चाहे तो ना करें, बट मैं करूँगा, ऑफकोर्स करूँगा भाई, मेरे पास टैरेंट है, मैं करूँगा ही करूँगा। तो आई होप अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, क्योंकि मैं मतलब इग्नाटिया जाएंगे यार, तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ, अजीब बात है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो तुम लोग लाइक मार देना, और चैनल पर नया आए हो तुम लोग को स्टोरी मोड गेम्स पसंद है और उसे हिंदी में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब मार देना। तो आज के एपिसोड में बस इतने ही, एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।